जलंधर दे पीएपी ग्राउंड असी खड़े होए हां और अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी रैली होन जा रही है। इस रैली दा जिक्र इस करके भी खास हो जांदा है क्योंकि पंजाब दे विच इलेक्शन दी अनाउंसमेंट होने तो बाद ये पहली रैली है। इस तो पहला दी रैली दा जिक्र कर लिया जावे तो चोन जाबता लगन तो पहला फिरोजपुर दे विच रैली दा ऐलान जरूर होया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रैली दे विच नहीं पहुंच सके, जिथे विरोधी पार्टियां तंज कसदियां नजर आईयां कि उस रैली दे विच इकट्ठ नहीं सी, इस करके प्रधानमंत्री मोदी नहीं पहुंचे। उत्थे ही बीजेपी का कहना सी कि किसानों के द्वारा रास्ता रोकया गया और पंजाब सरकार ने रास्ता रोकने दे विच साथ दिता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान नू खतरे दे विच पाया क्योंकि जिस जगह दे उत्ते वो रैली हो रही थी और जिस पुल प्यारियाने का जिक्र भी बंद है क्योंकि प्यारियाना वो एरिया जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वापस मुड़ जाता और नरेंद्र मोदी जाते हुए मनप्रीत सिंह बादल कह के जाते हैं कि तुहाडे मुख्यमंत्री नू धन्नवाद कहना क्योंकि वह जिंदा वापस जा रहे हैं। इस चीज़ का जिक्र चरणजीत सिंह चंडी भी करते नजर आए कि मनप्रीत बादल नू जाते हुए वह कह के गए हैं। तो अजिहे दे विच अज पहली रैली कह सकते हैं इलैक्शन तो पहला होन जा रही है, चोन जाबते दे विच पहली रैली होन जा रही है और सख्त सुरक्षा प्रबंधों के विचकार यह रैली होन जा रही है क्योंकि पीएपी के आस पास का जिहड़ा एरिया है उसनू प्रॉपरली तरीके दे नाल सील कर दिता गया है। किसी भी तरह का जिहड़ा इत्थे जहाज उड्डन जां हैलीकाप्टर उड़ाउण दी भी परमिशन नहीं है, नो फ्लाइंग जोन का जिहड़ा एरिया वह घोषित कर दिता गया। और तस्वीरां तुहानूं रैली दे पिछे एरिए दीआं दिखा दिंदे हांगे, इस वक्त जिहड़ियां तस्वीरां तुसीं देख रहे हो वह रैली दे एरिए दीआं तस्वीरां ने। दो फिरोजपुर रैली का जिक्र करिए तां बहुत सारियां कुर्सियां उस दिन खाली नज़र आ रहियां सी पर अज जिहड़ा पंडाल हैगा वह भरिया जरूर नज़र आ रहा है। अज बीजेपी वर्करां दा तुसीं इकट्ठ जरूर देख रहे होंगे, गल वर्करां नाल कर लैणे आ। इलेक्शन दे टाइम दे विच पहली रैली होण जा रही है, अज जिहड़ी पहली रैली है इह पंजाबियां दी जित दी निशानी है। पंजाब दे विच पहली बार भारतीय जनता पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस दे अकाली दल दी बन जा रही है। पंजाब दे विच पूरी लहर है। असी अज चन्नी साहब नू सिद्धू पागल नू पुछना चाहुंदे आ कि कित्थे आ तेरियां कुर्सियां खालियां ते बोलण वाले कैप्टन साहब सामने बैठे ने, सामने कुर्सियां वेख सिद्धू आ के तू पागलपन दे विच आना खाली कुर्सियां नू कैप्टन बोलदा आ कुर्सियां वेख कुर्सियां पूरियां हो गईआं जगह नहीं मिलदी पई। पंजाब दे अज नींह धर दित्ती है। एजेंडा की लैके चल रहे होंगे बीजेपी वल्लों? पंजाब दे सरपति पक्षी विकास दा हर तरह की इत्थे फैक्ट्री आएगी, हर तरह का इत्थे विकास होएगा, हिंदू सिख भाईचारे का एकता होएगा, हर तरह के उद्योग आएंगे। की नाम है, किस जगह तो आए हो? मैं कुलवंत शर्मा मेरा नाम है जी, जलंधर नॉर्थ तो मैं आया और मैं यही गल करदा कि अज साडे देश के प्रधानमंत्री जो कि जलंधर आए हैं और पूरे पंजाब नू पूरा जोश है कि असी सारिया सीटा जीत के असी भारतीय जनता पार्टी की इत्थे सरकार बनावांगे और डबल इंजन की सरकार बनावांगे और रोजगार लियावांगे। जिन्हें युवा साढ़े नशियां दे विच है, नशियां नू इन्हां ने बेड़ा गर्क करता पंजाब दा, ते असी यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी असी पंजाब दे विच बीजेपी की सरकार बना के असी नशा मुक्त पंजाब बनाना है। इस नाल ही भारत माता की जय। नशे फैले कदों आ तुहाडे हिसाब नाल? प्रधान जी नशे जिहड़े है हर युवा अज देख कहते गुटका साहब फड़ के कहते कि असी अपना नशा बंद करावे पर उस तो ज्यादा वध्या ये घटिया नहीं। जिन्हें गुटका साहब की सौं खाई सी सामने स्टेज पर जो नज़र मार लीए सामने बैठे बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। और नशा कैप्टन अमरिंदर सिंह का गल कर रहा मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की गल कर रहा जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया जी उन्होंने साथी से जोड़ा नशा मुक्त नहीं होने देंगे सी, इस करके छड़ के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने एक सही रस्ता चुनिया और भारतीय जनता पार्टी का साथ दिता। जे उन्होंने जेडे उन्होंने साथी से उन्होंने नशा मुक्त होने नहीं दिता। पौने पांच साल तक कैप्टन मुख्यमंत्री रहे, दोष अज साथियों से लग रहे हैं? नहीं चाहे सरकार जो काम नहीं होए तो अच्छा अपना आप सोच सकते हैं। उन्होंने सही रस्ता चुन के भारतीय जनता पार्टी का साथ दिता। जय श्री राम। तो दूजे पास जिक्र कर लिया अज किसानों वालों ऐलान किया गया सी कहिंदे प्रदर्शन करांगे और बहुत सारे किसान भी अज नज़रबंद कर दिए गए घरां च। प्रधान जी किसान कोई नज़रबंद नहीं किया, किसानों के जो बिल से वह किसानों बाद चो पता लगन गए कि असी की किया और असी किसान भी साढ़े भाई ने, असी किसानों भी नाल लैके चलना है। और जो अज मोदी जी जलंधर आए है ये किसानों के देश के सारे साढ़े भाई है, ये भी देखे सोचे कि जो बिल आए थे बहुत अच्छे और बहुत वधिया सी इन्हां वास्ते बने हुए सी। अज भी तुहानूं बिल गलत नहीं लग रहे? सानू बिल गलत नहीं है जी, जो सोच उन्होंने सोच में नहीं सी वह आपां यही समझदे हां कि जिहड़ी सोच वह लैके किसानों के मोदी जी किसानों के
हक विच है और किसानों बारे ही गल करनगे और काम करनगे। की नाम है केड़ी जगह तो है? मयंक व्यास जलंधर तो। की लग रहा जी नरेंद्र मोदी की रैली नाल किन्ना क फर्क इस चोन माहौल दे विच पैण वाला? नरेंद्र मोदी जी रैली तो बाद पंजाब की सत्ता का तख्ता पलट जाना। मानयोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिदा भारत दे सरकार बन रही है उसी तरह साडे पंजाब दे विच भी भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट भूमत दे नाल सरकार बनेगी। साडे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व दे विच पंजाब का भी विकास होएगा। पंजाब की जनता नू बेसब्री तो इंतजार सी कि कदों साडे देश दे प्रधानमंत्री आन ते पंजाब नू आपां जित के उन्हां दे अगे रखीए। अज भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता दे विच उत्साह है। वह चाहते हैं कि साडे माननीय प्रधानमंत्री पंजाब नू वध दा वध घोषणावां दे नाल वधिया पैकेज देन जिंदे नाल साडे देश पंजाब की इंडस्ट्री तरक्की करे जिहड़ी डुबी हुई है ते पंजाब की जिहड़ी भ्रष्ट कांग्रेस सरकार है उनका सफाया होएगा ते आम आदमी पार्टी का भी गल्लां दा जिहड़ा कड़ा बनाया होया उनका जनता ने वैसे ही मूंह मोड़ लिया। तो सब तो वड्डा चैलेंज किहड़ी पार्टी नू देख रहे हो अपने सामने? देखो जी सब तो वड्डा चैलेंज जिहड़ा इस टाइम है वह पंजाब दा विच नशा है जिन्हों मुक्त कराने वास्ते साडे प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी नू अकाली दल तो भी अलग किया क्योंकि अकाली दल भी अंदर खाते चिट्टे की पार्टी कही गई थी। उन्होंने सरगमा सरदार विक्रमजीत मजीठिया जे दुबारे 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 जे कट्ठे हो गए फिर इंदा सवाल ही नहीं पैंदा होता क्योंकि पंजाब की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी की रैली तो बाद एकदम भारतीय जनता पार्टी के सांझे उम्मीदवार से भाजपा के उम्मीदवार जिता के पंजाब का सिरा मोदी जी के सिर बनया। कड़िया चीजा लगदी जिड़िया हाले तक पंजाब कमिया ने और होनिया चाहिए ने जो पंजाब का जिक्र कर दे चीजा की कमियां महसूस हो रही? कांग्रेस अकाली दल पार्टियां ने जोड़ा पंजाब इन्ना नशे के सड़ दिता। साड़ी भारतीय जनता पार्टी नशे तो मुक्त करूगी पंजाब ते हॉस्पिटलाइजेशन जिथे जिथे सानू हॉस्पिटल दी मेडिकल कॉलेज दी लोड है उहदी भी व्यवस्था कराई जाएगी जी। सहूलतां जिहड़ियां उह पूरियां कीतियां जाणगियां पंजाब विचों? बिल्कुल जी बिल्कुल पूरियां कीतियां जाणगियां जी। और पंजाब दे लोक तय कर चुके आ भी इस बार सरकार भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार बननी आ। यह तुहानू अज मैं ऐलान कर दिंदा जी। जे डबल इंजन नहीं बनदी की लगदा फिर उपरले इंजन ने काम नहीं करना? महाराज करूगा साडा डबल इंजन ही बनूगी। काम ही नहीं गा भी ना करूगी साडी डबल इंजन बनूगी ही बनूगी जी। धमकी तो नहीं ना भी जे डबल इंजन नहीं बनी तो एक इंजन फिर बंद ही रहना है? इदां दी तां गल ही कोई नहीं बंद नहीं रहना करना जी। सारे इंजनां ने दौड़ना पूरी रफ्तार नाल भज रहे हैं। इहो जी कोई गल नहीं है जी। पंजाब दे लोगां ने मोदी जी बहुत पसंद करते हैं। तुसीं देखो ह्यूम किन्ना पहुंचा होया मोदी जी नूं लोग बहुत पसंद करते ने ते इस चीज की गवाह पब्लिक हैगी है जी। की लगता है किहड़े ऐलान अज लगदे आ कि पंजाब दे लई नरेंद्र मोदी करके जाण? मैनू लगता एक तां किसानां दे नाल जिहड़े कर्ज माफी दे उहदे बारे थोड़ा ध्यान देणगे इह ते दूसरा जिहड़ा इत्थे रेत माफिया दा माफिया नूं थोड़ा टैकल करन दी जरूरत आ। उहदी ज्यादा एग्जाम्पल यूपी दी गौरमेंट आ जिथे जिथे भी ना रेत माफिया जां किसे भी तरह दा माफिया पनपदा वा उहनूं भाजपा दी सरकार ही कंट्रोल कर पाउंदी आ। उहदा जीवंत उदाहरण हैगा साडी यूपी दी गौरमेंट। यूपी वर्गा सुशासन जिथे अज हैगा वा उदां दा सुशासन ना पहला कदी यूपी ने देखिया ना आने वाले भविष्य दे विच बीजेपी तो अलावा कोई होर सरकार दिखा सकती है। फर्स्ट प्रायोरिटी है जिहड़ी ओह कहिड़ियां-कहिड़ियां चीज़ां ते रहण वाली लगदी है? पंजाब दे विच मोदी साहब नूं इक तां किसानी रिलेटड जिहड़े इशूज ने ओह तां इहनां दी पहल दी आधार ते करदे ही आ हल। उस तों बाद मैनूं लगदा जिहड़ा साडा एससी समाज आ ना ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਸ ਵਿਕਟਰੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ? ਹਰਸ਼ ਜਾਂਜੀ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਸੈਨਾ। ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਰੈਲੀ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੋਂ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੈਮਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਉੱਧਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਲੇ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ। ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦਾ
और जिहड़ी तुसी इलैक्ट रैली की गल कही सी कैंसल हुई सी, कैंसल नहीं की गई सी, उन्होंने आन तो रोकया गया सी, माहौल इदा का पैदा किया गया सीगा कि वह रैली स्थल पर पहुँच ना सकन, वह ओपोजिशन की कांग्रेस की बुखलाहट सी। फिलहाल फिलहाल वेला हेडलाइन का हो गया, एक बार हेडलाइन पर नज़र मार लें और उस तो बाद फिर रुक करांगे।